वो देखो, वो रहा सामने में, दिख रहा है ना जो बुर्ज खलीफा लंबा सा। हवा में भी देखो यार, रेस चल रहा है सामने पे। अपने को एक और प्लेन दिखा, वो भी उतने ही बाई में चल रहा है। पहले कौन करेगा लैंड? ये है अपना दुबई शहर, अल हबीबी अमीरातीस। हम लोग थोड़ा और पास जाने का सोच रहे थे कि अपने को बुर्ज खलीफा और अच्छे से दिखता, पर भाई वो इतना लंबाई है कि पूरे इतना जूम करने के बाद भी पूरे फ्रेम में नहीं आ पा रहा है। दिख रहा है वो सामने में लंबा सा, तब भी पूरा नहीं आ पा रहा है। खाने में अपने को एक छुटकू सा पानी का डब्बा और एक प्लेट में राइस और राजमा, क्योंकि चिकन ख़त्म हो गया था तो मेरे को राजमा खाना पड़ा। बस में आ गए अपन। सामने एक अंकल तो झुपकी मार रहे हैं, एक देख रहा है कि क्या कर रहा है। टाइम हो रहा 27 जैन, यहाँ बज रहे हैं 2:30। दुबई एयरपोर्ट पे हम लोग अब आ चुके हैं। यहाँ पे अपना फ्लाइट 1.5 घंटे पूरा लेट था और टर्मिनल 2 से हम लोग टर्मिनल 3 पे आ गए हैं। और हम लोग थोड़ा यहाँ पे घूम फिर रहे हैं कि भाई क्या है मॉल में ऐसा खास, मतलब टर्मिनल 3 पे ऐसा खास। और पता नहीं हार्दिक और ये मयंक कहाँ चला गया है, लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे मॉल में कुछ रहेगा तो। अपना यहाँ से 6 बजे का फ्लाइट है तो ठीक ही, थोड़ी अपना थोड़ा डीले हो गया तो अपना यहाँ पे कम बैठना पड़ेगा। तो आओ दिखाते हैं थोड़ा क्या है यहाँ पे इस टर्मिनल पे। सब जगह का एयरपोर्ट का वही सीन है, इंडिया हो या यहाँ पे दुकान बहुत सारा है, खरीदने लायक कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ देखो डिपार्चर का लिस्ट लगा है, करेंसी एक्सचेंज है, बहुत सारा गिफ्ट का आइटम का शॉप है। ये रहा सबसे ये बड़ा वहाँ पे गिफ्ट का शोर दिखा अपने को इस टर्मिनल पे। हम लोग को जाना था यहाँ से B3 गेट पे क्योंकि अपना नेक्स्ट फ्लाइट वहाँ पे है, पर उससे पहले थोड़ा खाना पीना हो जाए। तो यहाँ अपन देखे रेस्टोरेंट कैफ़े में, कुछ भी काम का दिखा नहीं, एक ही था KFC, वहीं अपन जा रहे हैं। यार ये परफ्यूम और दारू के सेक्शन में बाइक क्यों रखा हुआ था शो में, समझ ही नहीं आया। खाने का यहाँ पे सीन बड़ा सही था, बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे अपने को अवेलेबल। मैकडी था, KFC था, एक डेली स्टाइल भी करके कुछ था वहाँ पे, इंडियन पूरा बिरयानी वैसा भी रखा हुआ था। पर अपने कुछ नया ट्रेनिंग करना था तो अपन KFC वहाँ जाके हम लोग खा लिए। फिर से चलते हैं थोड़ा गोल्ड का प्राइस देखते हैं, सुनते हैं कि दुबई में बहुत गोल्ड सस्ता है। यहाँ पे अपने को कैलकटा के नाम का 22K एक्स्ट्रा का मिला अपने को गोल्ड, और एक चाइनीज़ फू करके मिला, मतलब बहुत सारा था पर ये चेक किए, पर जो प्राइसिंग था वो इंडिया से ऑलमोस्ट सेम ही था, कुछ खास फर्क दिखा नहीं अपने को। तो यार यही था अपना दुबई का टर्मिनल 3 का एक छोटा सा नजराना। हम दूसरा फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं जो कि दुबई से बेलग्रेड का है, 5.5 घंटा लगेगा उसको पहुँचने में, बस यार ये डिले ना हो जाए। अरे अरे भाई बेलग्रेड दुबई 6:20 पे उड़ेगा ये लड़का, 50 ईयर में है। हाँ शायद एक बीच में जाके बैठा है हर बार। इसमें यार भी खाने को था पर इसमें मेरे को चिकन लकली मिल गया, तो वो था चिकन बोलोगनीज, तो नहीं क्या है ये, तो चलो जरा ट्राई करते हैं इसको भी। पर यार इसमें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया, ये बस टमाटर का चटनी था और ऊपर से पास्ता डाला हुआ था इसमें,
थोड़ा बहुत चीज़ था, नाम बहुत फैंसी था पर खाना बहुत बेकार था दोनों टाइम ही आते हुए अपने को। अबे बोलो बैग मेरा है। तो फाइनली हम लोग बेलग्रेड पहुंच गए रात के 1 बजे और अब बाकी की बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।